वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है पकोड़ा मिक्स। पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए मैंने बेसन ले लिया हाफ़ के जी। हाफ के जी बेसन ले लें और इसके अलावा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 टेबल स्पून पीसी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया आपने लेना है 4 टेबल स्पून, जीरा 2 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून यानी कि 1/2 टेबल स्पून आपने लेना है अजवाइन। ले लिया आपने बेसन में आप ये कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डाल दें। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो पकौड़े बनते हैं वो क्रिस्पी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ बेसन में भी आप ये चीज़ें स्पाइस डाल के बनाकर रख सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून चावल का आटा और ये तमाम स्पाइस ऐड कर देने आपने और इनको मिक्स कर लेना अच्छे से। इसलिए देखें हमारा ये पकौड़ा मिक्स रेडी है। इसी तरह से आप बनाकर इसको रख लें, ये बहुत टाइम सेफ हो जाता है। तो मसाले आप एक साथ ही डाल के इसमें रख लें और कोई से भी आपने पकोड़े बनाने आलू प्याज किसी भी किस्म के आप इस मिक्सचर को निकालें, थोड़े से पानी में घोल लें और आप इंजॉय करें पकोड़े बना के। सो प्लीज़ गाइस रेसिपी को भी ज़रूर फॉलो किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।